नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? प्यारे छात्रों, हमारा डे 27 का एक सेशन पेंडिंग छूट गया था, हम माफी चाहते हैं उसके लिए। तो वो सेशन था डे 27, तपस्या 081 10 सुपर क्वेश्चंस, है कि नहीं? तो हमें स्टूडेंट्स ने भी याद दिलाया और अनफॉर्चुनेटली कुछ टेक्निकल इश्यूज से ये सेशन 27 डे को रिलीज होना रह गया था। कोई दिक्कत नहीं है, आज हम इस सेशन को रिलीज कर रहे हैं आउट ऑफ शेड्यूल ताकि पूरी सीरीज कंप्लीट हो जाए। याद रखिएगा, आज मंडे है और हम दोपहर को 1 बजे गवर्नमेंट स्कीम यानी डे 28 वाली और शाम को 6:30 बजे डे 28 का 10 सुपर क्वेश्चंस लेके फिर से हाजिर हो जाएंगे। तो आपकी तरफ से जोश में बिल्कुल कमी ना हो। तो आज हम 270 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। मेक श्योर कि आप पूरे 150 दिनों तक हमारे साथ बने रहें। तो आज हो जाएंगे भैया 270 क्वेश्चंस कंप्लीट। और जैसे मैंने कहा, यह हमारा डे 27 का रोल ओवर सेशन है जो पेंडिंग छूट गया था, आज इसको कंप्लीट कर देते हैं। शुरू करते हैं पहले वार्म अप क्वेश्चन के साथ। विच कंट्रीज आर लिंक्ड विद चाइना इन द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग चेन्स? विश्व के ऐसे कौन कौन से देश हैं, ऐसे 2, 4, 5, 6 देशों के नाम बताओ दोस्तों, जो चीन के साथ वैश्विक विनिर्माण श्रृंखलाओं में जुड़े हुए हैं, बड़े इंटीमेटली जुड़े हुए हैं। जो 2020 में कोरोना वायरस क्राइसिस के बाद ये मुद्दे काफ़ी ज़्यादा प्रबल हो गए, है कि नहीं? तो जल्दी बताइए दोस्तों कि विच कंट्रीज आर लिंक्ड विद चाइना इन द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग चेन्स। ऐसी 2-4 कंट्रीज के ही नाम बता दीजिए। उम्मीद करूंगा आप पूरे जोश के साथ लाइव चैट और कमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। विच ऑफ दीज रिप्रेजेंट्स द ट्रू स्टोरी ऑफ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई चेन्स? निम्न में से कौन से ऑप्शन में ग्लोबल जो मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन्स होती हैं यानी आपूर्ति श्रृंखलाएं, उनकी सच्चाई बयां होती दिख रही है? अब ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, टॉप क्वालिटी क्वेश्चंस हैं। तो मेरी पूरी कोशिश ये है कि जो 150 क्वेश्चन 150 में आपको सेशंस कराऊंगा तीनों थीम्स पर, आपकी बहुत अच्छी तैयारी एग्जाम की हो। और फ्री सीरीज है ये, तो सेशन को लाइक और शेयर करना मत भूलना। 1, चाइना लीड्स इंडिया बाय अ बिग मार्जिन, क्या आपको लगता है कि यह सच है? 2, इंडिया नेवर कॉट द मैन्युफैक्चरिंग बस, भारत कभी भी विनिर्माण की जो पूरी एक गतिशील बस है उसे पकड़ ही नहीं पाया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स प्लेड अ बिग रोल इन मेकिंग चाइनाज मैन्युफैक्चरिंग व्हाट इट बिकेम इवेंचुअली, विशेष आर्थिक क्षेत्रों ने चीन की मैन्युफैक्चरिंग को वो दर्जा दिया जो वो अंततः पा सका, क्या लगता है आपको? जी हाँ, द आंसर इज ऑप्शन बी, 1, 2 एंड 3। प्यारे दोस्तों, ये तीनों के तीनों ऑप्शंस एकदम सही हैं। जी हाँ, ये तीनों ऑप्शंस एकदम सही हैं। बहुत बढ़िया। काफ़ी सारे बच्चों का ये उत्तर सही भी आया ही होगा। डिटेल सॉल्यूशंस यहाँ हमने दिए हैं, हमारी आपको गारंटी है। ये सैकड़ों क्वेश्चंस जो मैं आपको यूपीएससी के लिए यहाँ करा रहा हूँ, इनको जिन बच्चों ने ढंग से कर लिया, आपको बहुत लाभ होगा। आइए दूसरे वार्म अप पर चलते हैं। कल्याणकारी राज्य से आपका क्या आशय है? What do we mean by welfare state? जल्दी बताइए। What do we mean by welfare state? जल्दी बताइए। Which of these best explains the so-called freebies may not be a bad idea in a welfare state nation? आप जानते हैं सन 2020 में freebies को लेकर राजनीतिक युद्ध छिड़ गया कि जो freebies देते हैं वो सब लोग गलत कर रहे हैं। तो ABCD में से कौन सा ऑप्शन इस तथ्य की पुष्टि करता है कि so-called freebies दरअसल एक welfare state में बुरी बात नहीं होती है? विच ऑफ दीज बेस्ट एक्सप्लेन्स वाई सो कॉल्ड फ्रीबीज मे नॉट बी अ बैड आइडिया इन अ वेलफेयर स्टेट नेशन? मतलब फ्रीबीज एक्चुअली बुरी बात नहीं है, ABCD में से कौन सा इस बात को समझाता है? समझ में आया क्वेश्चन आपको? तो ये तो एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया भैया। ABCD पढ़िए तीनों लाइव चैट में पूरे जोश के साथ, ABCD में से आंसर दीजिए, ए या बी या सी या डी, आपको क्या लगता है सही उत्तर? प्यारे दोस्तों, सही उत्तर निश्चित तौर पर है सी। अगर आप ये कहते हैं कि दे आर नॉट अ बैड आइडिया, तो देखिए फ्री पब्लिक सर्विसेज, जैसे कि आपने ट्रांसपोर्टेशन फ्री किया महिलाओं के लिए, तो हाथ में डिस्पोजेबल इनकम बचेगी जिससे उनको सेल्फ रिस्पेक्ट मिलेगा अगर फ्री एजुकेशन और फ्री हेल्थ मिलती है तो। और एक आर्थिक विकास की दौड़ में कोई व्यक्ति अगर तबीयत ही खराब है, शिक्षा ही नहीं मिल पाई, उसके पास ट्रांसपोर्टेशन में जाने लायक पैसे ही नहीं है,
तो वो इकोनॉमिक रेस में दूसरों के साथ दौड़ेगा कैसे? तो सी इज द बेस्ट आंसर. तो प्यारे दोस्तों, ये बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है, इस चीज को अच्छे से समझिएगा. और ऐसी चीजों को मेरिट गुड्स या मेरिट सर्विसेज कहते हैं. अब परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट डू वी मीन बाय मेरिट गुड्स. तो अब आपको समझ में आ गया, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ, फ्री ट्रांसपोर्टेशन, फ्री मिड डे मील्स, ये सब मेरिट गुड्स में आएंगे. समझे आप? सौरभ सोम कुंवर गुवाहाटी से, अंजलि मैनपुरी से, नरेंद्र मोहन लखनऊ से जुड़े हुए हैं. खूब पढ़िए दोस्तों और खूब जीवन में आगे बढ़िए. अपने साथियों को भी ऑफिशियली तपस्या में एनरोल कराना मत भूलिएगा. गवर्नमेंट स्कीम्स का एक मास्टर कंपाइलेशन है जिससे अच्छा आपको कहीं नहीं मिलेगा. 500 पेज का इंग्लिश भाषा में बना यह कंपाइलेशन आप हमारे बुक स्टोर से अवश्य परचेज करें. इसके साथ बहुत सारे सैकड़ों वेब पेजेस हमने लिंक करके दिए हैं, इमेजेस के भी, और ये पीडीएफ तो है ही. तो अच्छे से पढ़िए और इसे अपने जीवन का तैयारी का हिस्सा बना लीजिए. अगला वार्म अप क्वेश्चन, एक वायरस और बैक्टीरिया के बीच मूल अंतर क्या है? एक विषाणु और जीवाणु, विषाणु यानी वायरस, जीवाणु यानी बैक्टीरिया. What is the basic difference between a virus and a bacteria? सबसे बेसिक डिफरेंस बताओ बेटा. अब 2020 में तो दुनिया के हर आदमी को पता होना चाहिए जवाब, जल्दी बताइए. आइए तीसरा प्रश्न हल करते हैं. मजा आ रहा है सेशन में तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट पूरे जोश के साथ कीजिए. घबराइए मत, अगर कोई उत्तर गलत जा रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है. The Chinese pathogen was characterized as a novel member of the blank genus. तो पहला fill in the blank ये होगा. Closely related to several blank coronaviruses. ये दूसरा होगा, as well as SARS-CoV. Compared to blank, ये तीसरा होगा. SARS-CoV-2 appears to be more readily transmitted from human to human. ठीक है, तो हम novel coronavirus की बात कर रहे हैं. अब हमें बताएं दोस्तों, A, B, C, D में से कौन सा इसे सबसे अच्छे से fill कर पाएगा? हम सभी जानते हैं कि वो अल्फा कोरोना वायरस नहीं है, वो बीटा है, तो ऑप्शन सी तो चला गया. टू सेवरल बैट कोरोना वायरसेस, तो ह्यूमन है नहीं और ये सब चमगादड़ों से आए हुए वायरसेस हैं. कंपेयर्ड टू, जी हां, SARS-CoV, तो सही आंसर होगा ये और ये नहीं. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट तकनीकी चीज आपको पता चल गई, इसे याद रखना, ये बहुत यूजफुल है. मजा आ रहा है सेशन में? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. डज इंडिया हैव एनी एंटी डाउरी लॉ? क्या भारत में कोई दहेज विरोधी कानून है या बनाने की आवश्यकता है? बताइए दोस्तों. यस सर, व्हाट इज द आंसर? बताइए बताइए, कानून का नाम अगर पता हो तो वो भी बताइए. तो इनके जवाब मैं नहीं देता हूं, ये आप लोग आपस में कॉमेंट थ्रेड और लाइव चैट में एक दूसरे से इंटरेक्ट करके समझें. Which of these acts or bills is not related to the bouquet of laws designed to protect the reproductive rights of women in India? Bouquet of laws का मतलब होता है कानूनों का समुच्चय. भारत में महिलाओं के प्रजनन संबंधी अधिकारों की रक्षा करने के लिए जो अलग 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 कानून आए हैं, उनमें से कौन सा निम्न में से कानून नहीं है? बताइए. वन टू थ्री फोर, तो मतलब ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कानून नहीं है. प्यारे दोस्तों, ये कानून तो है ARTI, ये कानून है ही सरोगेसी, ये कानून है ही मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, और PCPNDT भी है. हालांकि PCPNDT का तो बहुत ज्यादा वायोलेशन भी होता है क्योंकि इन्फेंटिसाइड और फिटिसाइड बहुत कॉमन है. तो फिलहाल आंसर है नन ऑफ दीज. मतलब ये चारों कानून भारत में मौजूद हैं. अब ये चारों के नाम याद कर लेना. समझ में आ गई बात आपको? वेरी गुड. प्यारे साथियों, हमारे ये सारे सेशंस आपको अच्छे लग रहे हैं, थैंक यू सो मच. इतना प्यार आपसे मिल रहा है, प्यार मिलता रहे, लगातार आप कंट्रीब्यूशन देते चलें ताकि और अधिक फ्री सेशंस हम ला सकें. आधुनिक तुर्की के संस्थापक का नाम बताइए. रजब तैयब अर्दोआ मत बोल देना है, दिल टूट जाएगा हमारा. वो तो अभी के लीडर हैं और बड़े अथॉरिटेरियन टाइप के व्यक्ति हैं. हम आपसे पूछ रहे हैं, आधुनिक तुर्की के कौन थे संस्थापक? रजब तैयब अर्दोआ तो काफी अथॉरिटेरियन नेता हैं.
तो आधुनिक तुर्की के 1920 और 30 के दशक में संस्थापक कौन थे, उनका नाम बताइए। अगला सवाल, भारतीय परिदृश्य में व्हाट डज द टर्म सेक्युलर मीन, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष शब्द का वास्तविक अर्थ कानूनी रूप से भारत में क्या है। तो भारत एक महान देश है और इसकी महानता का सबसे बड़ा सबूत है कि भारत एक सेक्युलर देश है, हर किसी को पूरा सम्मान हासिल है, भारत जैसे विविध देश को अगर चलाना है यही एकमात्र रास्ता है। फिलहाल इस सवाल पर ध्यान दें, भारतीय कंटेक्स्ट में सेक्युलर का अर्थ क्या होता है, 1 2 3 बताइए दोस्तों। देखिए ये तो बिल्कुल सही है, राज्य का, राज्य से मतलब है स्टेट व्यवस्था का, अपना खुद का कोई धर्म नहीं होगा, तो 1 इज डेफिनेटली करेक्ट, इस ऑप्शन को उड़ा दो एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शन टेक्निक से। राज्य धर्म के आधार पर लोगों के बीच में कोई भेदभाव नहीं करेगा, ये बिल्कुल सही है, इस ऑप्शन को भी उड़ा दो, एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शन टेक्निक सीख गए हो ना अब आप। नो रिलीजन विल बी सुपीरियर इन्फीरियर, एब्सोल्युटली राइट, तो सही उत्तर क्या हुआ, ए। याद रखिएगा भारत में धर्म निरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता की परिभाषा में ये 3 चीज़ें आएंगी, तो इन्हें आपने अगर याद रखा तो आपको ये और 10 तरीकों से भी काम आएगी। तो तपस्या की जो हमारी सीरीज़ है दोस्तों, ये आपको 360 डिग्री तरीके से सोचने के लिए, MCQs के लिए, SAs के लिए तैयार कर रही है। लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों तक पहुँचाएँ। भारत में बहुत सारे राष्ट्रीय आयोग बने हुए, सुना है ना आपने, अलग अलग समय पर आती रहती रिपोर्ट्स, ऐसे कोई 3-4 नेशनल कमीशंस का बेटा हमें नाम बता दो जल्दी से। छठे सवाल पर आ गए हैं, तो कुछ नेशनल कमीशंस के नाम बता रहे हो ना, विच ऑफ दीज इज एन इंपॉर्टेंट रीजन वाई अ सोसाइटी शुड शो कंपैशन टुवर्ड्स चाइल्ड राइट, बच्चों के जो अधिकार होते हैं, बाल अधिकार जिन्हें कहते हैं, उनके प्रति समाज में सहृदयता होना बहुत जरूरी है। सवाल यह है कि निम्न में से कौन सा एक अच्छा कारण है कि सोसाइटी में बच्चों के अधिकारों के प्रति काफी कंपैशन होना चाहिए, है ना, ये सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है दोस्तों, हमारे समाज का एक तरह से ये प्रतिबिंब है। दोनों के दोनों आवश्यक हैं, किसी भी सेंसिबल व्यक्ति को एक सेकंड में समझ में आएगा, बच्चों के साथ हम अगर दुर्व्यवहार करेंगे सारी जिंदगी वो बहुत अधिक ट्रबल्ड साइकोलॉजी के साथ जीने वाले इंसान बन जाएंगे, और पूरा मानव समाज इस पर टिका है कि जो वयस्क हैं वो हमेशा बच्चों को संरक्षित रखेंगे, और जहां जहां ये टूटा है वहां वहां समाज का पतन हुआ है। आप एग्री कर रहे हैं ना मेरी बात से, करेक्ट आंसर इज सी। विच यूरोपियन नेशन डिड द चाइनीज सेंड ह्यूज मेडिकल हेल्प टू, कोरोना वायरस क्राइसिस में कमाल हुआ कि भैया अमेरिका की बजाय चीन सब तरफ मदद भेजता दिखाई दिया, तो क्या आप हमें बताएंगे वो यूरोप का कौन सा देश था जहां चीन ने मदद भेजी, जल्दी बताइए, सबको पता है उत्तर, जोश से बताओ बेटा। 7वें सवाल पर आ गए हैं, विच ऑफ दीज इज करेक्ट अबाउट द चाइनीज फाइनेंशियल सिचुएशन एज ऑन डेट, तो आज हम 2020 की बात कर रहे हैं प्यारे साथियों, चीनी वित्तीय स्थिति निम्न में से कौन सा सही ढंग से दर्शाता है, बताइए, 1 2 3 पढ़ के बताइए मेरे प्यारे साथियों। आप बहुत अच्छे से जानते हैं चाइना में स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है बहुत भयंकर तकलीफ में है, तो 1 तो गलत है क्योंकि करेक्ट पूछा है ना, तो अगर 1 गलत है तो ये गया और ये गया, अब तुक्का भी लगाना है तो आपके चांसेस डबल कर दिए हमने, NPS बढ़ रहे हैं कम नहीं हो रहे हैं, तो ये भी गया, तो अब एक ही आंसर बचा है वो ये है। अब ये 3 चीज़ें आज के चीन के बारे में आपको पता चल गई, फिलहाल मैं आपसे एक सवाल और पूछ रहा हूँ, जल्दी से मुझे बताइए इस शब्द का क्या अर्थ होता है, जल्दी बताइए। तो प्यारे दोस्तों फिलहाल आंसर है डी, तो आज आपको चीन के बारे में 3 चीज़ें हमने बताई, 1 प्रश्न में आपने 3 चीज़ें सीखी हैं, थोड़ा खुले दिमाग से इस बात को समझिए सोचिए ताकि आपको इस पूरी सीरीज में बहुत लाभ दिखेगा। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन हमने सिलेबस कॉन्सेप्ट में हाल ही में कवर किया था, UN याद है ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में किस प्रकार की कार्यवाहियां करता है मिलिट्री ऑपरेशन संयुक्त राष्ट्र, बताइए। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि महिलाओं को आप मिलिट्री पोस्टिंग्स में किसी तरह के भी भेदभाव का शिकार मत होने दीजिए, मालूम है ना 2020 की बड़ी खबर, तो निम्न में से कौन सा उस संदर्भ में बिल्कुल सही कथन है, जल्दी बताइए सही कथन क्या होगा। इस पर तो एग्जाम में सवाल आएगा ही आएगा, ध्यान रखिएगा प्यारे दोस्तों, बहुत जरूरी है, ये फैक्चुअली एकदम सही है, ये भी फैक्चुअली एकदम सही है, ये गलत है क्योंकि उस बेंच में चीफ जस्टिस बोबड़े नहीं थे, तो हमारा सही उत्तर है बोथ 1 एंड 2। आगे भैया, तो ये बहुत डिटेल में हमने समझाया, इसको पढ़ लेना और परीक्षा में तो इस पे सवाल बनेगा ही बनेगा, ध्यान रखना। डेटा की निजता, डेटा प्रिवेसी,
क्या कॉन्सेप्ट होता है राइट टू प्रिवेसी के बारे में सुना है आपने? आर्टिकल 19 और 21 से फ्लो होता है राइट टू प्रिवेसी, 2017 का 90 डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का। तो व्हाट इज द राइट टू प्रिवेसी, निजता का अधिकार क्या है? तो यहां फिलहाल आपसे डेटा प्रिवेसी पूछा है, एक नया कानून आ रहा है ना इसलिए पूछा है, भारत में नया आ रहा है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ, जिसकी बहुत आलोचना हो रही है कि उसमें दो तीन प्रोविजन बहुत डेडली डाल दिए सरकार ने। प्यारे दोस्तों, सवाल यह है कि भारत में जो डेटा प्रोटेक्शन लॉ आ रहा है उसे क्या सुनिश्चित करना ही करना चाहिए, जल्दी बताइए। देखो यार, एक बात तो बिल्कुल सही है, देखते के साथ आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सरकारों को जनता के पर्सनल डेटा तक अबाधित रूप से एक्सेस हो, ये तो हो ही नहीं सकता ना। तो ऑटोमेटिकली ये दो ऑप्शन उड़ गए, और ये भी नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली आंसर इज ओनली वन। प्रिवेसी का पूरा कॉन्सेप्ट ही बेटा ये है, यूरोपियन जीडीपीआर लॉ पढ़ लो, समझ में आ जाएगा, जीडीपीआर का फुल फॉर्म बताओ। और आज का आखिरी, क्या आप हमें बताएंगे भारत में असंगठित आर्थिक क्षेत्र क्या होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, भारत के जीडीपी का 40 से 50%। दसवां और अंतिम सवाल जो एग्जामिनर्स को बहुत अच्छा भी लगता है इस थीम पर, भारत में औपचारिक क्षेत्र अनौपचारिक क्षेत्र से बहुत अलग है, निम्न में से कौन सा वाक्यांश इस तथ्य को समझाता है, है कि नहीं? बहुत अच्छा सवाल है, जल्दी बताइए, निम्न में से कौन सा 1, 2, 3 में से इस तथ्य को समझाता है? यह बिल्कुल गलत है। क्या आप अपने यहां किसी सीधे किसान जो खेत से निकलकर आ रहा है उसको नौकरी दोगे क्या कंपनी में? नहीं दोगे ना, तो यह गया। लेकिन ये दोनों बिल्कुल सही हैं। डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी लाने के पीछे की सोच जो थी, जो दरअसल फेल हो गई, वो नहीं हो पाया, वैसे नुकसान ज़्यादा हो गया कि इन सबको रातों रात हम फॉर्मल कर देंगे, लेकिन वैसा होता नहीं है, समय लगता है, हालांकि वो जल्दी करने की कोशिश में जीडीपी का नुकसान हो गया। तो आज के सेशन में इतना ही प्यारे दोस्तों, डे 27 का पीडीएफ हम ऑलरेडी रिलीज कर चुके हैं, ये सभी सर्विसेस आपके लिए हैं, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, और डे 28 के बचे सेशंस पूरे जोश के साथ अटेंड करें। नमस्ते, जय हिंद।